हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रारॉक्स बीएसईबी के इस ऑनलाइन चैनल पे। मैं हूं वतन राज और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वीडियो सॉल्यूशन। किसका वीडियो सॉल्यूशन? तो आपका सेंटअप एग्जाम जो हो रहा है, जो साइंस का हो चुका है, उसका वीडियो सॉल्यूशन लेकर आया हूं। यानी प्री बोर्ड एग्जाम, यानी अभी आपका जो टेस्ट एग्जाम है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं, वह भी साइंस का। और फर्स्ट वीडियो मेरा जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराऊंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव का भी जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका अच्छे से वीडियो सॉल्यूशन लेकर हाजिर होऊंगा। तो आज अभी इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव का आंसर। तो पहला प्रश्न आपका पूछता है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। छोटा होता है किसमें? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल लेंस में? उत्तल दर्पण में। यह सारे चीजों का विस्तार हम आपको नहीं देंगे। यह हमारा ऐप पे जो भी फैकल्टी पढ़ाए हैं, यूट्यूब चैनल पे जो भी लोग पढ़ाए हैं, हमारे ऐप पे विजिट करके सारे क्वेश्चन हमारे ऐप में जो फैकल्टी पढ़ाए हैं उनसे टकराया है, देख सकते हैं। सॉल्यूशन वहाँ पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बताते चलेंगे, थोड़ा बहुत विस्तार करते चलेंगे, समझ में आया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है? निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है? तो यहाँ पे कोई भी लेंस हो उसमें मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होगी दो। दो याद रखिएगा, दो। और आपको ये सारे चीज़ें डिटेल में आपको मिल जाएंगे हमारे फैकल्टी के द्वारा, हमारे ऐप पे, प्रारॉक्स बीएसईबी के ऐप पे। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़कर देखते हैं आपको। तो आपका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह पदार्थ कहलाता है कुचालक। कुचालक, जिससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? कुचालक। इस सारे चीजों से विद्युत धारा प्रवाह होता है, थोड़ा ही सही लेकिन होता है। इसलिए और अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर देखने के लिए हमारे ऐप पे जाकर देख सकते हैं हमारे विशेषज्ञ फैकल्टी द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम समय नहीं गंवाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, चार नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो चार नंबर क्वेश्चन कहता है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो श्वेत प्रकाश वर्ण पट्टी में सात रंग होते हैं। तो ये आपका आंसर सही हुआ। तो इसमें चौथा का आंसर देखिए, अब आते हैं पांचवा का आंसर में। घटपर्णी एक उदाहरण है कीटभक्षी पादक का, दलहिनी पौधे का, शैवाल का, फफूंद का। कीटभक्षी पादप का दल, घटपर्णी क्या है? कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप लोग आंसर देखते जाइए, मिलाते जाइए। आपने जो वीडियो वहाँ बना कर आया है उससे मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं? अगर मेरा आंसर मैच कर रहा है तो आपका बिल्कुल सही है, नहीं मैच कर रहा है यानी आप कहीं ना कहीं मिस किए हैं। तो वो मिस जो हुआ है क्यों हुआ है कारण ढूंढिए और ऐप तक पहुंच के मेरे फैकल्टी से सारा प्रश्न का उत्तर चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और हमारा फैकल्टी द्वारा पढ़ाया गया वीडियो सॉल्यूशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छः नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका, निम्नलिखित में कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस लेता है? तो यह आपका मेंढक होगा। मेंढक, चमड़ी और फेफड़ा दोनों से सांस लेने वाला मेंढक है। ये आपका सॉल्यूशन सही है, यानी डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर हम देखते हैं सात नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो सात नंबर क्वेश्चन कहता है, लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होते हैं, लाल वर्णक होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। ये तो बहुत पहले से भी आंसर जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका सेंटअप एग्जाम में। आशा है कि इसी तरह से आपका फाइनल एग्जाम में भी पूछेगा। और जो भी मेरे विशेषज्ञ फैकल्टी ने गेस किया है वही क्वेश्चन आया है। तो गेस पेपर मेरे विशेषज्ञ फैकल्टी का जरूर देखें और जरूर देखकर वहां से समझें, यही सब क्वेश्चन हो सके फिर आ जाए। और इसी टाइप का और सारे क्वेश्चन भी गेस पेपर में मिलेंगे आपको। तो ये आप आंसर समझ गए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेफ्रॉन पाया जाता है, इसको थोड़ा स्लाइड को ऊपर बढ़ाते हैं और फिर हम देखते हैं। नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है वृक्क में, हृदय में, मस्तिष्क में, अंडाशय में। वृक्क में नेफ्रॉन जो है वह वृक्क में पाया जाता है। तो यह आपका
नेफ्रॉन जो है वृक्क में पाया जाता है, और दोनों वृक्क में जो वृक्क में पाया जाता है नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, तो वृक्क में पाया जाता है। ये आंसर आप देख लिए, जल्दी जल्दी मिलाते चलिए, आगे बढ़िए, फिर मिलते हैं हम। आज हम आपको सारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करने पे बहुत काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा और आप लोगों के लिए देखने में मुश्किल होगा, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ आंसर बताते चलते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, वहां से भी मिल जाएगा, या हमारे ऐप पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, रासायनिक अभिक्रियाओं को किस सतह से व्यक्त किया जाता है, संकेतों के रूप में, अनुसूत्र के रूप में, समीकरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं, संकेतों एवं सूत्रों द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो संकेतों के रूप में दिया हुआ है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए आपका सही हुआ। हम पेन बदल लेते हैं कलर आपका, और हम आपको यहाँ से डीप कलर ले लिए, और फिर हम आपको देख दें संकेतों द्वारा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, को डिलीट किए, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है, बहुत ही आसान सा सवाल, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है, ये आप देख रहे होंगे, बी आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट आप पढ़ा होगा, किस धातु का अयस्क है, आयरन का, यानी फेरस का, लोहा का, तो आयरन का है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपका ए ऑप्शन सही हुआ 11 नंबर का। 12 को देखिए, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में या मेरे ऐप के चैट सेक्शन में सभी का आंसर शीट भी मिल जाएगा, वैसे हम यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर आपका कर ही दे रहे हैं वीडियो देखने पे। CH3Cl का IUPAC नाम होगा, तो CH3 से मिथाइल और Cl से क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड ऑप्शन ए, समझ गए, क्लियर हुआ होगा, ऑप्शन ए यानी 12 का आंसर ए होगा। मिलाते चलिए, आपने जो बनाया है सही बनाया है कि नहीं बनाया है, मिलाते चलिए। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर या 13 नंबर, यही कोई क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपका, तो उष्मीय विद्युत फ्यूज जो होता है उष्मीय सिद्धांत पर आपका कार्य करता है, तो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है कौन आपका, विद्युत फ्यूज। आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ के देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, ये 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो 13 था शायद, अब ये 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला, ये तो कॉमन है, बहुत जगह पे पूछा हुआ क्वेश्चन है टेस्ला, तो 14 का आंसर ए होगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, ईंधन का उदाहरण है तो देखिए यहाँ पे ईंधन का कौन कौन उदाहरण होता है, लकड़ी बिल्कुल सही, CNG बिल्कुल सही, LPG बिल्कुल सही, यानी इनमें से सभी, यानी डी आंसर सही है, यानी तीनों ईंधन का उदाहरण है। नेक्स्ट हम 15 का डी हो गया। आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं 16 नंबर की ओर, आंसर मिलाते चलिए, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी हम करते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक, काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक, तो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब कभी वास्तविक होगा कभी काल्पनिक होगा, यानी दोनों सी, यानी 16 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, 17 नंबर पे पहुँचते हैं। 17 नंबर पे कोशिका में युग्मकों की परिणति कहलाती है जाइगोट, यानी जो कोशिका में युग्मक बनते हैं उसको जाइगोट कहा जाता है, जाइगोट, ये आपका 17 का सी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बहुत सारा एक्सप्लेन हम कर नहीं सकते हैं टाइम के अभाव में, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। हम नेक्स्ट हमारे फैकल्टी का सारा वीडियो, सारा एक्सपेक्टेड गेसिंग पेपर से आपका क्वेश्चन लड़ा हुआ है, ये सीरियस बात है, आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पूरे आंसर आपको मिल जाएगा हमारे ऐप तक पहुंचकर विजिट करने पे और यूट्यूब चैनल पे। मेंडल के द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में से कौन है, ये तो बहुत हॉट है, बार बार पूछा हुआ है, 9:3:3:1, यानी ऑप्शन ए 18 का ए, मिलाते चलिए 18 का ए, हम पहुंच गए 19 में, 19 है आपका। ओजोन क्या है, तो ओजोन क्या है, निलंबन नहीं है, कोलाइड नहीं है, तो गैस होगा, यानी ओजोन आपका गैस है, ठीक है, फिर मिलाइए, यानी 17 का ए हो गया। आगे बढ़िए,
सॉरी 19 का ये हो गया, फिर 20 में आइए और क्वेश्चन नंबर देखते चलिएगा। थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का सही से अरेंजिंग नहीं किया गया है इसलिए नहीं दिख रहा होगा, बट हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, आप मिलाते चलिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? विटामिन, खनिज, पोषक तत्व, ये तीनों हमारे लिए आवश्यक है, तो इनमें से सभी डी आंसर, डी 20 का डी याद रखिएगा। आगे बढ़िए जल्दी 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 बच्चों, आंसर देखिए और मिलाइए कि आपने कितना स्कोर किया, कहाँ पे आप कमी, आपका कमी रह गया, तैयारी में क्या कमी रह गया। प्री बोर्ड लेने का, सेंटअप एग्जाम का, एग्जाम लेने का एक ही मकसद होता है कि आप कहाँ पे चूक रहे हैं, कहाँ पे आपका तैयारी नहीं है, वहाँ पे जाकर तैयारी कीजिए। यानी आप जाकर वीडियो को देखिए, यानी कोई ऐप से पढ़िए या कहीं से भी पढ़िए, लेकिन जहाँ पे आप चूक रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए, तब आप फाइनल एग्जाम की ओर बढ़िए। तो हमारे ख्याल से हमारे विशेषज्ञ बहुत बेहतरीन ढंग से सारे चीज़ को डील किए हैं। पहुँचिए, देखिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट है, अकारक है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। 21 का बी, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, 21 का बी नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो 22 नंबर में पहुंचते हैं। अष्टक नियम, जल्दी जल्दी, अष्टक का नियम किनके द्वारा दिया गया है? डाल्टन, डोब्रेनर, मेंडलीव, न्यूलैंड्स, मेंडलीव के द्वारा, यानी 22 का सी, 22 का सी मिलाते चलिए, 22 का सी मेंडलीव के द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 23 में आते हैं, तो 23 का आपका, निम्नलिखित में किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जाती है? धोने का सोडा, नाम से ही स्पष्ट है, धोने का सोडा, इससे जल की अस्थायी की कठोरता कम की जाती है, यानी 23 का ए। 24 में हम लोग पहुंच गए फटाफट फटाफट, काफी टाइम नहीं लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो होता है आपका हीरा होता है, हीरा, यानी सबसे कठोर पदार्थ है हीरा आपका, यानी 24 का आपका आंसर हो गया सी। तो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं सारे आंसर को मिलाते चलिए, आगे बढ़िए। अब हम आते हैं 25 नंबर में, 25 है आपका, ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो ये समांतर में जुड़ा हुआ है, 1/2 + 1/2, 1, यानी ऑप्शन डी, यानी 25 का डी होगा। आप समझ रहे हैं, हम एक्सप्लेन चाह कर भी बच्चों आपको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपको बोरिंग महसूस होगा, इसलिए जल्दी जल्दी ऑप्शन से मिलाइए और देखिए कहाँ चूक गए और बेहतर प्लेटफॉर्म को ढूंढिए। आगे बढ़ते हैं, तो 25 का आपका हो गया डी। 26 में हम लोग पहुँचते हैं, तो 26 में घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान होता है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान होता है 80 हर्ज, 70 हर्ज, 60 हर्ज, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं होता है, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, समझ गए, ये डी होगा, यानी 26 का डी ऑप्शन होगा सही। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखते हैं 27 नंबर पे, तो 27 नंबर पे आपका है सोलर सेल से कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा, इनमें से कोई नहीं, तो दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, यानी इसका बी आंसर सही होगा, 27 का बी। 28 में हम पहुंच गए हैं बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट, कांच क्या अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है? लाल, पीला, नारंगी, बैगनी, बैगनी, बैगनी के लिए सबसे ज़्यादा होता है कांच का अपवर्तनांक। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन कहता है आराम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है? तो 15 से 18, याद रखिएगा 15 से 17 होता है, लेकिन 15 से 18 दिया है ऑप्शन में, तो मार सकते हैं, यही आपका निजी आंसर है, तो 29 का बी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को, 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कोई 30 नंबर क्वेश्चन को, निम्नांकित किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? निम्नांकित के किस जीव में परिसंचरण तंत्र ही नहीं होता है, यानी जिसके द्वारा वह जीव बना हो वह तंत्र, वैसा न्यूरॉन सिस्टम ही इसके अंदर नहीं हो, यह है हाइड्रा,
हाइड्रा के अंदर नहीं होता है। समझ गया बच्चों? तो 30 क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। हम आपको याद दिला दें कि प्रारॉक्स बीएसबी अपने ऐप में अपने एग्जाम के बारे में जाने बताया था। उसमें क्या बताया था कि आपका पैटर्न क्या है, आपका एग्जाम में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आप में कैसे 100 में 100 लाएंगे। यह वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जिस पैटर्न पे बताया गया है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है। यानी साइंस में 48 क्वेश्चन और 40 का जवाब देना होता है। समझ गए? तो हाइड्रा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन में। रेजिन एवं गोंद संचित रहता है फ्लोएम में, कोटेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं? पुराने जाइलम में, पेड़ पौधे में। आप देखते होंगे जो पुराने जाइलम उसके अंदर होता है उसी में संचित होता है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर को देखते हैं हम लोग। तो आपका निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं करता है? उल्टी, लार निकलना, हृदय धड़कन। यानी निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं करता है? चबाना भी अनैच्छिक क्रिया है और लार निकलना भी अपने से खुद से निकलने वाला क्रिया है। उल्टी भी खुद से होता है, हम लोग जबरदस्ती उल्टी नहीं कर सकते हैं। हृदय धड़कन यह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया करने का मतलब जो खुद से भी हो सकता है, यानी हृदय धड़कन सी। आप समझ गए होंगे। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 33 का आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, ब्यूटाइन, नियोप्रीन, एसिटिलीन। आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर जो होता है वह बहुलक होता है आइसोप्रीन का। रबर बना होता है आइसोप्रीन से, एन टाइम्स ऑफ आइसोप्रीन से। तो ये 33 का ए आंसर होगा। 34 में पहुंचते हैं। 34 आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। CA का परमाणु संख्या, CA मतलब कार्बन, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। 20 परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 20 होता है। यानी 34 का बी। 35 में आते हैं हम लोग। तो 35 का निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन वायु भी है, जल भी है, मृदा भी है। तो इनमें से सभी, क्योंकि सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन। यानी 35 का डी, मिलाते चलिएगा। 36 का निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी 36 का बी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता कितना है? P = 1/V, P = 1/U, P = 1/F, P = U/V। ये U वाला, V वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। यानी 1/F भी होता है, 1-1/F भी होता है। यानी C, यानी 37 का C ऑप्शन। फिर 38 में आते हैं हम लोग। 38 में आपका होगा नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है, और मस्तिष्क में जाकर वह सीधा बन जाता है और बड़ा बन जाता है। समझ में आया? यानी नेत्र में पूछ रहा है तो छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। 38 का सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 39 की ओर। वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट किसका? भी क्या होता है? वर्क बाई क्यू, यानी W बाई क्यू, तो वर्क होता है जूल, और क्यू होता है कूलम, तो बी जूल बाई कूलम वोल्ट के बराबर होता है। यानी आपका बी ऑप्शन सही है, यानी 39 का बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर में। 40 का आंसर होगा आपका विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत घंटी जो होता है, जो घंटी, वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। यानी ऑप्शन बी, 40 का ऑप्शन बी होगा सही। 41 ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, वसा अम्ल का, सुक्रोज का। ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्लूकोज, हमेशा ग्लूकोन डी पीते हैं हम लोग बहुत सारा, तो ग्लूकोज ऑप्शन ए सही है, 41 का ऑप्शन ए। आगे बढ़िए 42 में पहुंचते हैं हम लोग, पहुंच गए हैं करीब करीब। यीस्ट में कैसे जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा, बी डी ऑप्शन। जल्दी जल्दी हम फटाफट खींच रहे हैं, हम सॉल्यूशन यानी विस्तार रूप से आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? मुकुलन द्वारा। कमेंट में बताइएगा ऑप्शन डी 42 का, तो
विस्तार रूप से आपको कोई ना कोई फैकल्टी कर ही देगा या हम ही कर देंगे आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? तो विकासीय दृष्टि कहने का मतलब डेवलपमेंट होने के बाद के दृष्टि से, पहले चिंपैंजी से था लेकिन अब क्या है, चीन के विद्यार्थी से हो गया है, क्योंकि हम लोग डेवलप हो चुके हैं अब, तो चीन के विद्यार्थी से, यानी ऑप्शन ए 43 का। 44 का आपका है, तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? जैविक कारक हैं, भौतिक कारक हैं, मृदीय कारक हैं, इनमें से कोई नहीं, जैविक कारक है। जैविक, पवन भी हमको चाहिए, वर्षा भी हमको चाहिए, तापमान भी चाहिए, यानी जैविक कारण है, यानी ऑप्शन ए 44 का। 45 का है आपका, अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच के उपचार, यानी अपच तभी होता है जब हमारे अंदर क्या होता है, क्षार के संख्या बढ़ता है, तो अम्ल डालेंगे तब जाके क्षार के, अम्ल की संख्या अधिक होता है, सॉरी अम्ल की संख्या अधिक होता है तो प्रति अम्ल डालेंगे, प्रति अम्ल यानी क्षार डालेंगे, तो प्रति अम्ल डालेंगे तब जाके बैलेंस होगा, न्यूट्रल होगा। तो अपच के प्रकार क्या होता है, प्रति अम्ल, यानी ऑप्शन सी 45। 46 में आपका होगा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा बिल्कुल करता है, जस्ता बिल्कुल करता है, पोटेशियम बिल्कुल करता है, पूछ रहा नहीं करता है तो सोना नहीं करता है, यानी 46 का ऑप्शन बी होगा। 47 में पहुंचते हैं हम लोग, 47 में आपका आंसर होगा, आहार और पाइन निम्नलिखित में से किस राज्य में जल संचय की व्यवस्था है? आहार और पाइन जल संचय की व्यवस्था है किस राज्य में? बिहार में, याद रखिएगा बिहार में। तो हम आपको पूरे डिटेल में ऑब्जेक्टिव को बताएं, एक ऑब्जेक्टिव आपका बाकी है, सारा मेरा गेसिंग क्वेश्चन यानी प्रारॉक्स बीएसईबी का जो भी गेस किया हुआ था उससे टकराया है, अपने एग्जाम के बारे में प्रारॉक्स बीएसईबी जैसे बताया था उसी फॉर्मेट में पूछा है, यानी 48 में 40 का जवाब देना है, सब्जेक्टिव के लिए जैसे बताया गया था वैसे ही पूछा है। तो आप समझ गए होंगे, देख लिए होंगे अच्छे से, तो प्रारॉक्स बीएसईबी ऐप पर जाएं, अगर आपको लग रहा है कि आपका तैयारी अच्छा हो गया है तो गेसिंग पेपर देखें, अगर आपका तैयारी लग रहा है कि अच्छा नहीं हुआ है तो आप क्रैश कोर्स फुल देखें, अगर आपका लग रहा है कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन अगर हमको जरूरत है तो उसके लिए भी अलग क्रिएट किया गया है, एक्सपेक्टेड के लिए भी यानी गेसिंग क्वेश्चन के लिए भी अलग किया गया है बैच क्रिएट, और आपका क्रैश कोर्स फुल का अलग किया गया है बैच क्रिएट, तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं आपका 48 का आंसर क्या होगा, तो CFC का व्यापक उपयोग किया जाता है, एयर कंडीशनर में बिल्कुल सही है, रेफ्रिजरेटरों में बिल्कुल सही है, जेट इंजनों में बिल्कुल सही है, यानी इनमें से सभी तीनों का तीनों सही है, यानी इनमें से सभी, यानी 48 का आपका डी ऑप्शन हुआ। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अब सब्जेक्टिव की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव आ गया भौतिक शास्त्र का, इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही तुरंत ही लेकर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सब्जेक्टिव का इंतजार कीजिए लेकर, ओके बाय बाय, सी यू अगेन।